थाना राया क्षेत्र के गांव सोगरवार खंडिया में विगत 4 वर्षों से ग्राम सभा की जमीन पर चल रहे कब्जे को उपजिलाधिकारी माठ के निर्देशन में बनाई गई टीम के द्वारा गुरुवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ मुक्त करा दिया गया। यहां भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव सोगरवार पहुंचे ग्रामीणों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सुगम तरीके से कब्जा मुक्त जमीन को नापतोल कर खाली कराने के आदेश दिए गए, जिसमें एक पक्ष राम प्रसाद का मानना था कि उसके खेत से अधिक जमीन कब्जाधारियों को दी जा रही है, जबकि ग्रामीणों का कहना था कि वे वर्षों से इसी जमीन पर रह रहे हैं। उनका इस जमीन पर विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते उपजिला अधिकारी ने समय रहते पूर्व कोर्ट को चैलेंज करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश कैसे पारित कर दिए, जब कोर्ट से कोई आदेश नहीं है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें कुछ समय की मोहलत दी जाए जिससे वे अपनी जमीन को खाली कर सकें, लेकिन किसी ने उनकी बात पर सहमति नहीं दिखाई। पुलिस कर्मियों ने बलपूर्वक ग्रामीणों को जबरन बंद कर उनकी जमीन को खाली कराया, साथ ही उनके जानवरों के लिए एकत्रित किए गए भूसा भुर्जी बिटोरे के साथ हरे पेड़ों को धराशायी कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब लेखपाल राजेंद्र ने उक्त जमीन को सही नापतोल करा दिया तो कानूनगो और नायब तहसीलदार ने उसे क्यों काबिज नहीं कराया। ग्रामीणों ने न्याय के लिए न्यायालय से सहारा लेकर उन्हें इसकी जांच कराकर उनके साथ जो ज्यादती हुई है इसके लिए वे कोर्ट की शरण लेंगे। वहीं नायब तहसीलदार ब्रजेश कुमार ने बताया कि उन्हें उपजिला अधिकारी माठ के दिशा निर्देशन में उक्त जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में उनकी टीम के द्वारा नापतोल कर दोनों पक्षों की सहमति पर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनों पक्षों को शांति भंग में चालान कर उपजिला अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है। राजस्व टीम में कानून को सपन भारद्वाज, लेखपाल राजेंद्र प्रसाद सहित चौकी प्रभारी धीरज कुमार, राजकुमार मोहन लाल यादव, यशपाल यादव सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। नक्शा के आधार पर हो रही थी और नक्शा के आधार से हटाकर और 15 कड़ी भीतर कर दी गई है और जेबीसी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने किसी अधिकारी को बताया? हमने एसडीएम साहब के आदेश को दूसरे ही दिन यानी 4 तारीख को कमिश्नरी में दाखिल कर दिया है। वहाँ से जो फोन कर यहाँ वहाँ से आदेश को निरस्त करते हुए और आदेश को मानते हुए दोनों पक्षों को सुनते हुए और यथा स्थिति के आदेश हो चुके हैं और ना कोई आदेश दिखा रहे हैं अभी का ना कोई कुछ है और उसके बाद भी हमारी तोड़ फोड़ की जा रही है। अधिकारी को सूचना दी है? किसी को सूचना दी है? डीएम साहब को दी है और एसडीएम साहब को दिया, कानवो साहब को दिया और नाग तहसीलदार को दिया, तहसीलदार साहब को दिया। ये ऊपर से ही में होते हुए उसके बाद भी हमारे पास अगर इनके पास आदेश है अभी करंट का न्यायालय मतलब कमिश्नरी को ना आदेश को मानते हुए तलब हो चुकी है, फिर भी यहाँ कार्रवाई तहसील स्तर पर की जा रही है। हमारे यहाँ सर बताएं सोरवाद में ये जमीनी विवाद था, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि हमको एसडीएम साहब महोदय का आदेश आया था कि 26 जून के लिए कि जाके ये जो भी दखल की कार्रवाई है वो करवा दीजिए। उसी के क्रम में हम 26 को आए थे तो यहाँ जो अवैध कब्जा था उनके यहाँ लड़की की शादी है तो हम लोग पूरी टीम के साथ वापस हो गए मानवीय आधार पे कि भाई आज लड़की की शादी है तो आज कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसी के संबंध में आज हम लोग आए हैं तो पूरी पैमाइश और एसडीएम साहब का पूरा आदेश है कि दखल की कार्रवाई संपन्न की जाए। उसी के संबंध में पूरी पुलिस फोर्स के साथ में आया हूँ और कार्रवाई संचालित। जैसे पीड़ित के द्वारा बताया जा रहा है कि उनका मुकदमा बीमानी में चल रहा है इस जगह को लेकर, क्या एसडीएम साहब ने कोई लिखित में आदेश दिया है कि कब्जा हटाएं? बिल्कुल लिखित में दिया है, बिल्कुल लिखित में दिया है और जो माननीय न्यायालय का स्टे आर्डर है उसके पहले का आदेश है उसी का कंप्लायंस करने आ जाऊंगा। क्या कब्जा हटाने के साथ